बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले पार्ट में हम जो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, दूसरे पार्ट में जो हम आरएनए को देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं। दो किस्म के होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स आपके पास, एक होते हैं आरएनए और एक होते हैं डीएनए। पहले हम न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कस करेंगे, आरएनए और डीएनए, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो आरएनए डीएनए है ये रिजर्व बैंक होते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन के, इनके अंदर जो है वो स्टोर होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और जो आरएनए है ये जो है वो ट्रांसमीटर होते हैं ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए है उनका सेलुलर फंक्शन भी है कि ये सेल का सेलुलर फंक्शन परफॉर्म भी करते हैं, ठीक हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है, ये इंटर रिलेशनशिप बिटवीन आरएनए डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस को आप जो है वो सेंट्रल डोगमा कहते हैं, ठीक है। अब ये सेंट्रल डोगमा होता कैसे है, आपको पता होना चाहिए कि डीएनए है, डीएनए मिलेगा उसने क्या बनाने, जीन। जीन जो है ये फंक्शनल यूनिट होते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन के। उसके बाद जीन्स ने जो है वो आगे करना है कि आरएनए मीडिएशन करवानी है, मतलब आरएनए की प्रोडक्शन करवानी है। उसके बाद इन्होंने जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस हुई है, तो एक ये पूरी चेन चल रही है, इसको आप क्या कहेंगे, सेंट्रल डोगमा कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं न्यूक्लिक एसिड की। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये पॉलीमराइज होकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। सॉरी ये गलती होगी, इसमें आपको बताना है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये मिलेंगे और इन्होंने क्या बनाना है आपके पास, न्यूक्लिक एसिड बनाना है। न्यूक्लिक एसिड इज अ बिग टर्म, न्यूक्लियोटाइड्स आर स्मॉल टर्म। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेगा। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये मोनोमर्स हैं, इन्होंने मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाया, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए दूसरा फंक्शन जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स का है, न्यूक्लिक एसिड्स का दूसरा फंक्शन था सेलुलर प्रॉपर्टीज, ये सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम्स बी कम्प्लेक्स के जो थे, जैसे हमने कहा आपके पास एफएडी वगैरह है, ठीक है, वो सब सारा हमने देखा था इसमें, ठीक है, ओके। उसके बाद अब आपके पास आ जाते हैं जी एनर्जी रिएक्शंस ऑफ सेल, मतलब कि जो सेल में एनर्जी रिएक्शंस हैं वो ये कंट्रोल कर रहे हैं, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं ये भी ये कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये भी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, ओके। अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेस, शुगर, शुगर कौन सी है, पेंटोज है, उसके अलावा इसने जो है फॉस्फेट के मिलने से बनना होता है। सबसे पहले आते हैं बेस पर, बेस जो होती हैं आपके पास एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक होती हैं। अब आपके पास बेस दो किस्म की आती हैं आगे, प्यूरीन्स, पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स जो हैं उनकी नंबरिंग आप क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, और जो पायरिमिडीन इनकी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा प्यूरीन्स जो हैं वो डीएनए और आरएनए दोनों में सेम है, और जो पायरिमिडीन्स हैं ये पहली वाली जो है वो आपके पास सेम है दोनों में, जिसको आप क्या कहते हैं, आपके पास जो
साइटोसिन जो है वो सब में सेम है। ठीक है, और जो थायामीन है दूसरी वाली वो डिफरेंट होती है। थायामीन जो है वो आपके पास किसमें प्रेजेंट है, वो आपके पास है डीएनए में, और उसकी जगह यूरासिल जो है वो प्रेजेंट है आपके पास किसमें, आरएनए में। ठीक है, तो ये याद रखना। अब थायामीन और यूरासिल में फ़र्क ये है कि जो थायामीन है उसके अंदर मिथाइल ग्रुप होता है, और जो आपके पास यूरासिल है उसमें मिथाइल ग्रुप नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अब आपको बताना चाहिए कि शुगर का क्या रोल है। शुगर, अब आपको मैं यही बता देता हूँ कि शुगर कौन कौन सी होती हैं। शुगर आपके पास एक होती है डी राइबोस, डी ऑक्सी टू राइबोस होती हैं। जो डी राइबोस है ये आपके आरएनए में है, और जो डी ऑक्सी राइबोस है ये आपने याद रखनी है डीएनए में है। ठीक है, और जो डी ऑक्सी राइबोस है इसका आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बन नंबर टू पर जो है वो जो ऑक्सीजन है वो रिमूव्ड होता है, इसके अंदर कार्बन नंबर टू पर ये डिफर कर देते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो बेस और शुगर के मिलने से, अगर ये दोनों सिर्फ मिलेंगे तो ये आपके पास बना देंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और अगर ये तीनों मिलेंगे तो क्या बना देंगे, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम टॉटोमरिज्म देखते हैं कि जो आपका ये होते हैं बेसिस होती हैं न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये टॉटोमरिज्म शो करते हैं, ये कैसे शो करते हैं। ओके, जिस भी न्यूक्लियोटाइड में आपके पास सी डबल ओ नेगेटिव ऑक्सो ग्रुप होगा ये वो शो करेंगे टॉटोमरिज्म। ठीक है, अब दो किस्म के होते हैं टॉटोमरिज्म, एक होते हैं कीटो और एक होते हैं इनोल, जिसको आप लेक्टम और लेक्टिन कहते हैं। ठीक है, तो जो लेक्टम है ये फिजियोलॉजिकल पीएच पे भी ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा लेक्टम में क्या होता है, ये इस तरह लेक्टम का स्ट्रक्चर होता है। अब ये एच ने अगर इधर आ जाए तो वो इसमें लेक्टिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद आपको बताऊँ कि अदर बेसिस कौन कौन सी होती हैं। कुछ अदर बेसिस होती हैं जो रिकॉग्निजम ऑफ इंजाइम्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होती हैं आपके पास प्यूरीन बेसिस, जिसमें आपके पास हाइपोजेंथीन आ जाता है, जेंथीन आ जाती है। इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंट है ना, प्यूरीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होना। और उसके बाद आपके पास दूसरी नंबर पर जो है यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स होती हैं प्यूरीन सिंथेसिस की। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो बेसिस प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, प्लांट्स में जो भी पड़ी होंगी बेसिस वो आपके पास कौन सी होंगी, मिथाइलेटेड होंगी। ठीक है, मिथाइलेटेड होंगी। अब आपके पास इसमें कैफीन आ जाती है, थ्रियोब्रोमाइन आ जाती है। ठीक है, कैफीन थ्रियोब्रोमाइन। ठीक है, ये आपने याद है। अब हम डिफरेंट देखेंगे कि आप प्यूरीन और पायरिमिडीन को कैसे नाम देते हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, ये हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज टेबल पॉइंट वन फ्रॉम सत्या। आपको बताना चाहिए कि इसमें देखेंगे एडीन है, एडिनिन है, उससे आपके पास जो भी न्यूक्लियोसाइड बनेगा वो एडिनोसिन बनेगा, गुआनिन से बनेगा गुआनोसिन, साइटोसिन से बनेगा साइटिडीन, और यूरासिल से बनेगा आपके पास यूरिडीन। और ये किसके लिए, ये आरएनए के लिए, क्योंकि राइबो आपके पास राइबोस शुगर इस्तेमाल हुई है। अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर इस्तेमाल हो डीएनए की तरह तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थायमिडीन ये आपके पास आते हैं। अब जैसे राइबो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे तो आप अगर एक फॉस्फेट ऐड करेंगे तो मोनोफॉस्फेट है जो ऐड हो जाएगा, तो मोनोफॉस्फेट 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 आपने याद रखना कि सब में ऐड हो गया। ठीक है, या आप इसको गुआनालाइट कह सकते हैं, एडिनालेट कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी आप इनको कह सकते हैं, ए एम पी, जी एम पी, सी एम पी, यू एम पी। बस इसमें ये डिफरेंट होगा कि यहाँ डी ऑक्सी का एडिशन कर देंगे आप, क्योंकि डी ऑक्सी राइबोस शुगर है इसलिए डी एम पी, डी
DAMP GAMP CMPD, ठीक है, ये आपने सारे याद रखने। और ये सवाल भी पेपर में पूछा गया है कि आप कोई सी साइटोसिन से पूछा गया कि साइटोसिन से आप कैसे बना सकते हैं एक न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड, तो आपने बताना होता है। ठीक है, अब आपको कुछ आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बतानी चाहिए, वो ये हैं कि प्यूरीन एटम्स जो होते हैं 1 से 9 कार्बन होते हैं उसमें, मतलब कि नंबरिंग उनकी जो 1 से 9 तक होती है, पायरिमिडीन की 1 से 6 तक नंबरिंग होती है। उसके अलावा जो डैश का साइन है ये आपको डिफरेंशिएशन, शुगर डिफरेंशिएशन करवाते हैं, जैसे कि 5 डैश है ये शुगर 1 to 5 तक हो सकती है, मतलब कार्बन जो 1 से 5 तक होती है आप नंबरिंग करते हैं, ठीक है, शुगर का कार्बन को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा N9 ऑफ प्यूरीन आपने याद रखने के, जो N9 ऑफ प्यूरीन है वो C1 ऑफ शुगर के साथ मिलेगा, बिकॉज इट रन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, जो हम उसकी नंबरिंग करते हैं प्यूरीन की, और पायरिमिडीन की जो है वो आप क्लॉक वाइज नंबरिंग में करते थे, इसलिए N1 जो है वो C1 ऑफ शुगर के साथ बनाएगा। नेगेटिव साइन जो है वो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड जो भी नेगेटिव साइन होता है। उसके अलावा जो आपने ये बेस और शुगर के कार्बन के मिलने से जो है वो शुगर बन गई। उसके बाद आपने याद रखने की जो ये OH ग्रुप है, ये जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो फॉस्फेट के साथ मिलेगा 5 डैश या 3 डैश बनाने के लिए, ठीक है। मोस्टली जो है 5 डैश आपके पास मोनो फॉस्फेट बनता है, डाईफॉस्फेट ट्राईफॉस्फेट बनता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एनालॉग्स। एनालॉग्स आपको पता होना चाहिए कि वो होते हैं जो इनका स्ट्रक्चर जो है उससे सिमिलर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड्स के, लेकिन वो असल में न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनकी एग्जांपल आप बुक से देख सकते हैं। उसके बाद हम DNA को अब डिस्कस करते हैं। अब आपको DNA के बारे में पता होना चाहिए, पहले तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स, DAMP होता है, DCMP होता है, DTMP होता है, DGMP होता है, जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एडिनिन, साइटोसिन, थायामीन और गुआनिन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखने कि 5 डैश से 5 डैश ब्रिजेस होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं, 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, मतलब कि जो हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, एक आप DNA के स्ट्रक्चर को शॉर्ट फॉर्म के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। ये आपके पास जो है ये लिंकेज शो किया हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपने याद रखें कि जो 1 डैश एंड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि न्यूक्लियोटाइड बेस अटैच है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहिए जो 3 डैश एंड है ये पूरी शुगर दिया हुआ है, ठीक है, शुगर दी हुई है, लाइन से आपको शुगर रिप्रेजेंट की हुई है। जो 3 डैश है आपको बताना चाहिए फॉस्फेट लिंकेज है, 3 डैश और 5 डैश जो है ये भी फॉस्फेट लिंकेज रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट फॉर्म है अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें। अब आपको बताना चाहिए चार का फूल आपको बताना चाहिए कि जितने एडिनिन होंगे उतने थायामीन होंगे उतने मोल्स, और जितने गुआनिन के होंगे उतने जो है वो साइटोसिन के होंगे, और याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है डबल स्टैंडर्ड के लिए, डबल स्टैंडर्ड DNA RNA का डबल स्टैंडर्ड होगा वायरसेस वगैरह के अंदर जो है वो, ये RNA जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डज नॉट ओबे चार्ज ऑफ रूल। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको बताना चाहिए राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है इसका DNA का, राइट हैंडेड है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 2 स्ट्रैंड हैं जो एंटी पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए एक रन कर 3 डैश से 5 डैश और एक रन कर 5 डैश टू 3 डैश में। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि हेलिक्स जो बन रहा है उसकी विड्थ आपको पता होना चाहिए 20 एंगस्ट्रम है या 2 नैनोमीटर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक टर्न में कितना डिस्टेंस होता है, 1 टर्न 34 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है, और 10 न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर होते हैं, पेयर होते हैं, और एक पेयर जो है वो किस तरह 3.4 एंगस्ट्रम एक दूसरे से अपार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बैकबोन जो होती है फॉस्फेट बैकबोन वो आउटसाइड होती है, और जो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक आपकी बेसिस होती हैं वो इनसाइड होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहिए कि जो चेन्स होती हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होती, जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं,
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ड्यू टू बेस पेयरिंग, बेस पेयरिंग करनी होती है इसलिए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, ओके। अब आपको बताना चाहिए कि बॉन्ड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो एडिनिन और थायमिन के दरमियान है वो दो हैं, और जो गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान है वो तीन हैं। ठीक है, उसके बाद आप याद रखें प्यूरीन जो होते हैं वो शॉर्ट होती हैं, और पायरिमिडीन जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं। प्यूरीन शॉर्ट होती हैं और पायरिमिडीन ये लॉन्ग होती हैं। ठीक है, और प्यूरीन और पायरिमिडीन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, प्यूरीन प्यूरीन के साथ ही बन सकता, पायरिमिडीन पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड नहीं बन सकता। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन जो पड़ी होती है वो आपके टेम्पलेट स्टैंड के अंदर पड़ी होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसको आप एंटी जिसको आप सेल स्ट्रैंड भी कहते हैं और टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, वो इन दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड पे होती है। ठीक है, उसके अलावा आपको बताना चाहिए मेजर और माइनर ग्रूव्स वगैरह पड़े होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन जो है वो इस जगह पे इंटरेक्ट करती हैं और डिस्टर्ब कर देते हैं हेलिक्स को, ग्रूव्स पड़े होते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमने डिस्कस कर लिया। ओके, हम फॉर्म्स ऑफ डीएनए और टाइप्स वगैरह जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आरएनए को भी। थैंक यू।